एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्लाईव्हील का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे जीटीयू एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आता है। ये बहुत सिंपल सम है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपकी बुक से ही एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोग वापस प्रैक्टिस कर सके। तो बहुत सिंपल सम है, इसमें हमारा जो फ्लाईव्हील हमको जो डिज़ाइन करना है, जो कि मैंने आगे के वीडियो में आपको डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं, वो वीडियो ज़्यादा और डिस्क्रिप्शन के लिए फिर से देख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल ऐसा एग्ज़ाम में आएगा आपको। इसके आगे के वीडियो में मैंने टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स जो डिस्कस किए हैं अलग अलग मशीन्स के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ मल्टी सिलेंडर इंजन इज़ ड्रॉन टू अ स्केल इन फिगर। ये आपको ऐसा एक फिगर भी आ सकता है या फिर डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको अपने हिसाब से फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस दी गई है कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम है मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, उसमें जो टर्निंग मोमेंट है वाई एक्सेस पे वो 1 mm जो है वो 650 न्यूटन मीटर है, और जो क्रैंक एंगल है वो 1 meter जो है वो 4.5 degree है, और एरिया इन mm स्क्वायर अबव एंड बिलो द मीन टॉर्क लाइन दिए हैं आपको, ये सब दिए हैं। तो आपको इसके हिसाब से फिगर ही बना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो गैप है आपको थोड़ा सा फिगर में रफ आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपका आएगा टर्निंग मोमेंट, यहाँ पर आपका आएगा टॉर्क, और यहाँ पर आपका आएगा क्रैंक। तो आपको यहाँ पर एक मीन टॉर्क लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहला क्या है, -28, तो आपको पहले यहाँ पर -28 करना है, फिर +380, तो +380 ऐसा आएगा, ठीक है, फिर -260, ठीक है, फिर +310, ऐसे करके आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, ऐसे करके आपको पूरा सा टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फिगर में दिया हुआ ही है, ऐसे करके आपको फिगर बनाना है। अगर नहीं दिया है तो आपको बनाना है, दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और इन्फॉर्मेशंस दी होंगी आपके न्यूमेरिकल में, ठीक। टोटल इफ़ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डज नॉट एक्सीड प्लस और माइनस 1.8% ऑफ मीन स्पीड, ठीक है, एंड द मीन स्पीड इज 400 rpm, देन फाइंड आउट द मास ऑफ फ्लाईव्हील हैविंग रेडियस 0.8, ठीक है। आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि मास फाइंड कीजिए। अभी फिलहाल ये सम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ याद दिलाता हूँ कि पूरा अगर जो ऐसा सम है तो आपको जनरली 2 equation याद करनी है, लेकिन एक इक्वेशन सबसे मेन है, वो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर सम के एंड में बताता हूँ, तो क्या आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये सम। आपको सिर्फ एक इक्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखेंगे तो पूरा सम आपको स्टेप टू स्टेप वाइज सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको m फाइंड करना है, ठीक है, मेन m मतलब मास, ठीक है, ये है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये चेंज इन एनर्जी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, ये एंगुलर स्पीड है, और k रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन पहले ही लिख देनी है, तो क्या आप स्टेप टू स्टेप वाइज सब फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका फिगर बन गया है, ठीक है। अब हम स्टेप टू स्टेप वाइज पहले जो जो डिटेल्स दी है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। एन हमारा मीन इक्विलिब्रियम स्पीड है, और आर जो है वो रेडियस है 0.7, आर या यहाँ पर के भी लिख सकते हैं आप इसको, के आर या के दोनों, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आपको डेल्टा ई फाइंड करना है, हमको डेल्टा ई फाइंड करना है। सबसे पहला काम है हमको डेल्टा ई और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये दो चीज़ फाइंड करनी है। आप याद रखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में वो इक्वेशन बताया है, उस इक्वेशन में डेल्टा ही है, सी एस है, ओमेगा स्क्वायर और एम के स्क्वायर है, उसमें से हमको एम फाइंड करना है, ठीक है। स्टेप टू स्टेप वाइज हम सब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर आपको दी है मीन स्पीड 400 दी है, और टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मतलब उसमें मैक्सिमम स्पीड होगी और मिनिमम स्पीड होगी, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एन वन है, ये मैक्सिमम स्पीड है, तो मैक्सिमम स्पीड है वो प्लस और माइनस 1.8% है, तो आप ऐसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 400 प्लस 400 का 1.8%, ठीक है,
आप समझने का ट्राई कीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्या है, 400 की स्पीड है और उसके अंदर 1.8% बढ़ोतरी, तो लाइक दैट आप लोग फाइंड करेंगे तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड आएगी और मिनिमम स्पीड भी ऐसे n2 आएगी 400 माइनस 1.8% रिडक्शन इन 400 स्पीड, तो आपको आएगा 392, ठीक है। अच्छा फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, आपको मैंने ये आगे के वीडियो में बताया ही था कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड ये फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, n1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 2 इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो ये आप करेंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ गया, आपको CS आ गया, आपकी वो जो इक्वेशन थी डेल्टा ई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू CS, ठीक है, अभी आपको CS मिल गया, ठीक है, इसका पिक्चर ख़त्म, अभी आपको डेल्टा ई फाइंड करना है, ठीक है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ गया। अच्छा तो ये टर्निंग मोमेंट में डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप देखेंगे तो आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया आएगा कि हमने धार लिया कि ए पे हमारी स्पीड ई है तो बी पे हमारा स्पीड एनर्जी क्या होगा, ई प्लस 28, ठीक है, सॉरी ई माइनस 28 क्योंकि ये बिलो टॉर्क लाइन है, बिलो मीन टॉर्क लाइन है, इसीलिए ई माइनस 28, यहाँ पे मैंने मेरी एनर्जी ले ली ई, तो पॉइंट बी पे क्या होगा, ई माइनस 28, ठीक है, पॉइंट सी पे क्या होगा, ई माइनस 28 प्लस 380, ये प्लस में है और ये सब नेगेटिव में है, ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग पॉइंट, पहले सी पे लेंगे, फिर डी पे लेंगे, फिर ई पे लेंगे, फिर एफ जी एच आई जे, ऐसे करके आप अलग अलग पॉइंट पे जब एनर्जी निकालेंगे तो ये आपका बनेगा, एट पॉइंट बी इज ई माइनस 28, पॉइंट सी विल बी ई माइनस 28 प्लस 380 इक्वल्स टू 3 प्लस 52, एट पॉइंट डी ये आएगा, पॉइंट ई ये आएगा, एफ ये आएगा, जी ये आएगा, एच ये आएगा, आई जे ऐसे आएगा, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पर होगी, ई प्लस 402, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी आई और सबसे कम एनर्जी कहाँ पे आई, ई माइनस 36, ठीक है, आप देख सकते हैं, या आप एडिशन करिएगा, ऐसे छोड़ मत दीजिएगा, ये सब ऐड कीजिएगा तो आपको ई प्लस और ई माइनस समथिंग आएगा, तो ई प्लस 402 आया और ई माइनस 306 आया, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ई मैक्स है 402, ई मैक्स है 402 और ई मिनिमम है ई माइनस 36, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई मिन, तो आपको ई मिलेगा ई इक्वल्स टू 438, ठीक है, आपका डेल्टा ई आ गया 438 mm square. अभी इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने तो सब स्केल लेके किया था, तो वो स्केल को मल्टीप्लाई करेंगे, स्केल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 1 mm 650 न्यूटन मीटर पर लिया था, तो इंटू 650 और 4.5 इंटू पाई बाई 180 क्योंकि वो जो थीटा था उसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आप याद रखिएगा ये स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको अल्टीमेट आंसर आएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू 22349, ओके। अब ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी आपको डेल्टा ई मिल गया है, आपको सी एस मिल गया और ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा स्क्वायर बहुत सिंपल है, 2πn/60, आपको याद है मैंने आगे के एक्सेलरेशन डायग्राम में भी ये सब सम्स आपको बताए थे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड आपको फाइंड करना है तो 2πn/60, तो n आपको वैल्यू पता ही है, 400 है 2π × 400/60 तो आ जाएगा 41.8 रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो फाइनली जब आप ये इक्वेशन में सारी ऊपर की वैल्यूज डालेंगे, डेल्टा ई की, रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस की, ओमेगा की और सी एस की, तो आपको मास मिल जाएगा 725.1 kg, तो ये आपका रिक्वायर्ड फ्लाईव्हील का मास होगा जो कि आप इतने इसमें लगाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम दूसरा एग्जांपल भी इसी वीडियो में देख लेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ कि फ्लाईव्हील का जब भी डिज़ाइन का एग्जांपल आए तो आप यही इक्वेशन आपको याद रखना है। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे तो आपका पूरा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कैन इंजन इज रोटेटिंग एट 90 RPM प्रोड्यूसेस 295 kW पावर। देखिए अभी इसमें पावर आया है, तो पावर के हिसाब से हमको ये सब जो पैरामीटर्स है वो ढूंढने। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी 0.1 एंड इट्स स्पीड हैज टू बी मेंटेन विद इन 5% ऑफ मीन स्पीड। फाइंड आउट द मास ऑफ फ्लाईव्हील हैविंग रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मीटर। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें दी है कि एन जो है वो 90 RPM है, पावर प्रोड्यूस है वो इतना वाट्स है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी 0.1 है और के 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अभी वो इक्वेशन याद कीजिए, इसमें हमको फाइंड करना है CS। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कितनी है, 5% ऑफ मीन स्पीड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CS इंटू 2, दैट इज 0.1। ठीक है, तो CS आपका हो गया 0.1। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा ई। डेल्टा ई है वर्क डन पर साइकिल इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये पावर के हिसाब, वर्क डन के हिसाब से डेल्टा ई का साइकिल है, तो हमको वर्क डन पर साइकिल ढूंढना पड़ेगा। तो वर्क डन पर साइकिल जो है वो है पावर इनटू 60/N। ठीक है, तो पावर है 295,000 इंटू 60/N, तो दिस मच न्यूटन मीटर, दिस मच 19,667 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा ई, दैट इज वर्क डन पर साइकिल इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमको डेल्टा ई मिल जाएगा 19,667। अब ये सब चीज़ आप ये फाइनल इक्वेशन में डालेंगे तो आपको आपका मास मिल जाएगा डेल्टा ई 1 रेडियस ऑफ गायरेशन 2 स्क्वायर और 2πN/60 ओमेगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है 0.1, तो आपको एम मिल जाएगा, मास ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ये एक इक्वेशन याद रखेंगे तो आपको फ्लाईव्हील का एग्जांपल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मास्टर इक्वेशन है फ्लाईव्हील का। ओके, थैंक यू।